सवाल वीडियो में आपका स्वागत। और आपके डिमांड के साथ हम लाए हैं मीशो के बहुत सारे वर्सिटी जैकेट्स। क्वालिटी एक्सपीरियंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये सारी चीज आपको पता चलेगी। स्टाइल के साथ इन्फॉर्मेशन भी छाड़ेंगे भैया। पहला वर्सिटी जैकेट आगे हमारे पास में फटाफट से निकालते हैं और जस्ट लुक एट दिस भाई, महज 300 से लेकर 1000 के अंदर के सारे वर्सिटी जैकेट्स हैं। अगली जैकेट की बात करें, पूरा ब्लैक कलर का एक वर्सिटी जैकेट है। नॉर्मल से आपको कॉलर देखने को मिलेगा इलास्टिक वाला, इसमें आपको एक्स्ट्रा दो कलर्स देखने को मिलेंगे ब्लैक के बाद, वो है स्काई ब्लू एंड ऑरेंज। इलास्टिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ब्लेजर के लिए यहाँ पर आपको टिप टॉप वाले बटन देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर व्हाइट कलर के ना प्लास्टिक के कैप्स लगाए गए हैं, जो कि ब्लैक के ऊपर अच्छे लग रहे हैं। लेफ्ट चेस्ट पर आपको एक बड़ा सा पैच देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वूल वूल टाइप का ये पैच है। अब देखो ये एकदम खतरनाक ज्यादा क्वालिटी वाला पैच नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस वाइज क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी मैं कहूंगा। साइड साइड में आपको पॉकेट देखने को मिलते हैं और स्पेस वाइज बहुत ज्यादा अच्छा है। नीचे भी आपको वही सेम क्वालिटी का हेम देखने को मिल जाएगा, कफिंग देखने को मिल जाएगा, क्वालिटी अच्छी है। और दोनों स्लीव्स पूरे प्लेन है, आपको ज्यादा तामझाम नहीं मिलेगा। वही अगर बैक की तरफ देखोगे तो एक बड़ा सा आपको पैच देखने को मिलता है। पैच की क्वालिटी देखो बहुत ज्यादा बढ़िया, लिखा हुआ डू द राइट थिंग, और ये भी ये थोड़ा ऊन ऊन जैसा है। बाकी ये सारे जो फॉन्ट्स है या सारी चीजें ना, वो अलग अलग नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा पैच को लेकर यहाँ पर ऐसा करके लगा दिया गया है। यहाँ पर देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैकेट में कहीं भी ना कंजूसी नहीं फील होगी, बस थोड़ी मोड़ी जितनी भी कॉस्ट कटिंग्स होती है ना, वो इन्होंने की हुई है। जैसे थोड़ा सा सस्ता वाला पैच लगाया, बाकी ओवरऑल जैकेट सही है। अंदर की तरफ अगर जाएं तड़तड़ाते हुए, यहाँ पर आपको भाई प्रॉपर मेश का काम मिलता है, जैसे बैकपैक के बैक में कैसे होता है एग्जैक्टली वैसा काम है। क्योंकि इसका जो फ्रंट वाला पूरा ओवरऑल फैब्रिक है वो पूरा पॉलिएस्टर मटेरियल का बना हुआ है। और सबसे खतरनाक बात, क्योंकि ये मीशो से आया है, यहाँ पर आपको नाइकी का अंदर में लोगो मिलता है। वाह, एक्सेल साइज हमने देखो यहाँ पर लिया है जानबूझकर, क्योंकि मीशो में भाई साइजिंग की बहुत ज्यादा इश्यू होती है। मैं तो प्रेफर करता हूँ हमेशा एक दो साइज बड़ी ही लेना। ये जो जैकेट है भाई, इस वीडियो का सबसे सस्ता वर्सिटी जैकेट है, 300 रुपए के आसपास का ये जैकेट है। ऑलराइट, थोड़ी मोड़ी खूबसूरती जान लेते हैं, उसके बाद खाल निकालेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट कलर का पूरा जैकेट है, फ्रंट में आपको वही न्यू एरा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। सिंपल सा पॉकेट मिलता है, व्हाइट कलर का आपको बटन देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल सा कॉलर मिलता है, जैसे होता है मैंड्रीन कॉलर टाइप, और नीचे में भी आपको वही सेम हेम कफिंग वफिंग सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई, ये जैकेट इतना ज्यादा हल्का हवा सा है, और मैंने इसे एक्सेल साइज मंगाया है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये एम से भी छोटा लग रहा है अभी भी, और यहाँ पर एल लिखा हुआ है। राइट साइड की पॉकेट की डेप्थ वेप ठीक ठाक है, लेकिन सच बताऊं जैकेट बिल्कुल ही बिल्कुल मरियल जैसा है, और इससे ना ठंड का ठो भी नहीं जाने वाला, ठगाने से बच गया। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। आई नो फनी लग रहा होगा क्योंकि फिटिंग नहीं आएगा। बाकी ओवरऑल देखो प्रॉब्लम ये है ना कि आप इन सारे प्रोडक्ट्स को ना फोटो देखकर जज नहीं कर सकते, वही एक्चुअल प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी सिर्फ वन चांस की वीडियोस देखने से। मेक श्योर की जाकर सब्सक्राइब कर लो। लेकिन देखो मेरा ये भी कहना है ना कि हर बार प्लेटफॉर्म की गलती नहीं होती, यहाँ पर प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी गलती होती है सेलर्स की। कुछ सेलर बेकार होते हैं और कुछ सेलर भाई बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मेजरली इसमें आपको दो कलर देखने को मिल जाएंगे, ऑफ व्हाइट एंड रेड। पहनने के इलास्टिक की बात करें, नीचे के हेम की बात करें, हैंड के कफ्स की बात करें, भाई बहुत ज्यादा अच्छा है। राइट साइड में आपको शिकागो बुल्स की ऐसे करके ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जहां पर एम्ब्रॉयडरी यूज हुआ है। अभी एग्जैक्टली शिकागो बुल का प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मीशो है तो उतना चल जाएगा। नीचे की तरफ आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, डेप्थ बहुत ज्यादा अच्छी है। बाकी ब्लैक कलर के आपको इसमें बटन देखने को मिलते हैं टिप टॉप वाले, और अंदर में यहाँ पर भी आपको पूरा मेश का काम मिलता है। इन जैकेट को ना भाई थोड़ा स्पोर्ट्स कैटेगरी के टाइप का बनाया गया है, और अगर आप ब्रांडिंग देख लोगे ना इस जैकेट का, आपका दिमाग हिल जाएगा। दोनों स्लीव आपको रेड रेड कलर के मिलेंगे, एक स्लीव में आपको प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी के थ्रू 23 लिखा हुआ मिल जाएगा, विच इज माइकल जॉर्डन जर्सी नंबर। और दूसरी तरफ आपको एक बुल देखने को मिलता है, जो कि बहुत सारे ज्वेलरीज पहना हुआ। मैं बास्केटबॉल उतना देखता नहीं हूँ, लेकिन शायद ये शिकागो बुल का लोगो है, मुझे जज मत करना इस चीज पे। बैक की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको शिकागो बुल का बड़ा बड़ा लोगो देखने को मिलता है। टोटल एम्ब्रॉयडरी वर्क है और हाई एंड क्वालिटी वर्क है भाई, कहीं से भी ना आप इस जैकेट को नकार नहीं सकते, ये इतनी अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। और इसमें जो आपको लोगो मिलता है वो मिलता है एडिडास ओरिजिनल्स का। बाकी इसमें भाई टैग जो मिलता है ना, वो भी एडिडास का ही मिलता है। थोड़ा सा देखो इसमें 3-5 किया हुआ है, ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आए। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। अगर आप 1000 रुपए के अंदर एक हाई एंड क्वालिटी का वर्सिटी जैकेट खोज रहे हो ना, डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। कितने में? 1000 रुपए के अंदर में। नेक्स्ट वर्सिटी जैकेट आ गया मीशो की तरफ से भाई, और आपको क्या क्या मीशो के प्रोडक्ट देखने वो मुझे बताते जाओ। लेकिन एक चीज याद रखना, आपको बहुत सारी ना अच्छी बातें मेरे मुंह से निकलती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि वही सच्चाई है। अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं। ऑलिव ग्रीन कलर एंड व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। अगेन लेफ्ट चेस्ट पे आपको न्यू एरा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इतना ज्यादा इस लोगो को जेनरिक बना दिया ना लोगों ने, कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि कहां कहां ये ब्रांडिंग छप रही है।
यहाँ पर भी आपको पूरा पॉलिएस्टर फैब्रिक का जैकेट देखने को मिलता है। नॉर्मल से आपको कॉलर देखने को मिल जाएगा जैसे वर्सिटी जैकेट्स या बॉम्बर जैकेट्स में होता है। दो वही कलर आपको देखने को मिलेंगे जो कि ओवरऑल जैकेट में देखने को मिलते हैं। व्हाइट कलर के आपको प्लास्टिक के बटन देखने को मिल जाएंगे। अंदर में आपको मिलेगा टिप टॉप वाला बटन। इसकी क्वालिटी अच्छी है, ऐसा खुलेगा नहीं जल्दी जल्दी। साइड साइड में आपको पॉकेट तो देखने को मिलता है, लेकिन बड़े ही ना अलग टाइप का इसमें पॉकेट डाला गया। यूजली पॉकेट्स ऐसे होते हैं लेकिन ये ऐसे करके है। व्हाइट कलर के आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएंगे। नीचे हेम मिलता है, हैंड में कफिंग मिलता है, सॉफ्टनेस में कोई कमी नहीं है। व्हाइट कलर के आपको स्लीव्स देखने को मिलते हैं। राइट वाले स्लीव में आपको अगेन न्यूयॉर्क यैंकीज, यैंकीज भी एक बास्केटबॉल टीम का नाम है अगर मैं सही हूं तो, जहां तक मुझे याद है। बैक की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई प्रिंट विंट नहीं देखने को मिलेगा। अंदर तड़तड़ा के खोलने पे भी यहाँ पर भी आपको मेश का काम मिलता है। आप सोचोगे कि भाई वॉजिटी जैकेट में तो अंदर में होता है वूल, इसमें कैसे हो गई भूल? तो मैं आपको बताऊं, जितने भी पॉलिएस्टर फैब्रिक वाले जैकेट्स होते हैं ना, उनके अंदर में आपको मेश का काम मिलेगा और यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, फिटिंग में थोड़ी मोड़ी ऊंच नीच होगी, उतना आपको अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि आप प्राइस भी बहुत कम पे कर रहे हो। महज महज ये जैकेट आपको 550 रुपए में मिलने वाला है और इसके 3 एक्स्ट्रा आपको कलर्स भी मिल जाएंगे। फटाफट से निकालते हैं। और अगर इस जैकेट की बात करें, इस जैकेट को देखकर ना भाई, एक जैकेट की मुझे याद आती है जो हमने ऑलरेडी इसे पहले वाले वर्सिटी जैकेट की वीडियो में दिखाया हुआ है, मेट्रो नट का जैकेट। ब्लैक एंड व्हाइट कलर इसमें आपको देखने को मिलेगा। एम का यहाँ पर आपको लोगो देखने को मिल जाएगा जो कि प्रिंटेड है, मेट्रो नट वाले में पैच वर्क था। दूसरी तरफ भी आपको थोड़ी सी टेक्सचर या फिर प्रिंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर भाई बटन की क्वालिटी ना मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रॉपर एकदम शाइनी मेटल का बटन है। अंदर में वही टिप टॉप वाला बटन मिल जाएगा। इसके अंदर में आपको प्रॉपर फर मिलता है, बहुत ही पतला हल्का फर है, लेकिन हाँ फर तो है। अगर मल्टीपल लेयर्स के थ्रू पहनोगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। साइड साइड में आपको कट पॉकेट देखने को मिल जाएंगे। अंदर में आपको स्पेस अच्छा मिलने वाला है। एक व्हाइट कलर का आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। कफ की साइजिंग ना बहुत ज्यादा ऐसे छोटी है, ये भी थोड़ा थोड़ा सस्ते वाले प्रोडक्ट्स में इश्यू होता है, ये ज्यादा फैलेगा नहीं यहाँ पर। बाकी दोनों स्लीव्स में आपको प्रिंटिंग देखने को मिलती है और बैक में आपको कोई प्रिंट नहीं मिलता। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें पीछे देख लो। बाकी देखो, कहना ये है कि ये जैकेट 700 रुपए के आसपास का है। इससे पहले जो हमने ऑलिव ग्रीन कलर वाला देखा ना, इससे मच बेटर क्वालिटी थी उसकी और वो इससे सस्ता भी था। नेक्स्ट जैकेट आगे हमारे पास, फटाफट से निकालते हैं। और ये भी कलर एक बहुत खूबसूरत किलर कलर है, डार्क ग्रीन और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन। नॉर्मल से आपको कॉलर देखने को मिल जाएगा, सेम प्लास्टिक वाला, बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है क्वालिटी इसकी। और यहाँ पर भाई बटन की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन उसके बीच में जो वो लकीर पट्टी बनी होती है ना जैकेट्स में, वो भाई यहाँ पर बहुत खराब दिख रही है। इतना बड़ा बड़ा पॉकेट डाल दिया गया है, मतलब ऐसा देखने से लग रहा है ना कि मुझे बैठा दिया है, ले अंकुश सिल एक जैकेट और जो मैं सिलूंगा उसके बाद वो कैसा बनेगा, एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है। नीचे में आपको हेम देखने को मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी है लेकिन वही वेल बिल्ड नहीं है। स्लीव्स की बात करें तो व्हाइट कलर के स्लीव्स तो मिलते हैं बिना किसी प्रिंटिंग विंटिंग के। यहाँ पर कफ की सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन वही फिटिंग सही नहीं है। बैक की तरफ देखोगे तो आपको प्रॉपर एकदम क्लीन वर्क देखने को मिलता है। अंदर में आपको पतला सा फर देखने को मिलता है। जैकेट बहुत ज्यादा हल्का लगता है। महज ये 450 रुपए के आसपास का जैकेट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप जा सकते हो, क्योंकि इस प्राइस में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े से पैसे बढ़ा लोगे ना, आपको एक बेटर ऑप्शन मिल रहा है जो हमने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ। नेक्स्ट वर्सिटी जैकेट आ गया हमारे पास में। और आपको बता दूं कि अगर आपके बजट थोड़ा सा ज्यादा है, चाहते हो कि थोड़ा और एक्सपेंसिव दिखाओ कुछ भाई, हम आपके लिए ज़ारा से लेकर H&M से लेकर सुपर ड्राई से लेकर सारे प्रीमियम ब्रांड, सारे बजट ब्रांड्स, मिड ब्रांड, सबके सारे प्रोडक्ट लाने वाले हैं। नॉर्मल से आपको कॉलर देखने को मिल जाएगा जैसे मैंडरिन जैसा होता है। यहाँ पर आपको 2-3 कलर देखने को मिलेंगे, जैसे व्हाइट है, ब्लैक है और एक ब्राउन टाइप का ना टोन यहाँ पर डाला गया, खूबसूरत लग रहा है। मेटल के आपको वही बटन देखने को मिल जाएंगे जो कि हमने पहले भी देखा हुआ, अच्छी क्वालिटी के। दोनों तरफ आपको प्रिंटिंग मिलती है, क्लासिक क्लासिक लिखा हुआ और बीच में बिटकॉइन का लोगो डाल दिया है। साइड साइड में आपको पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, अगेन एक तरफ और थोड़ी सी टेक्सोग्राफी प्रिंट मिलेगी। नीचे में आपको हेम मिलता है, क्वालिटी अच्छी। वाइस की कफ की साइजिंग देखो कितनी पतली है, ऑलरेडी मेरा इससे चौड़ा रिस्ट है तो ऐसे जैकेट्स आ जाए ना तो हाथों में बहुत तकलीफ होती है। बैक की तरफ देखोगे तो आपको पूरा क्लीन क्लीन वर्क देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें पीछे देख लो। अंदर में इसमें भी आपको फर वर देखने को मिलने वाला, ये है जैकेट एक 750 रुपए का। एंड सच बताऊं तो अगर आपको एक अच्छा वर्सिटी जैकेट चाहिए ना, तो देखो बहुत अच्छे वाले तो 5,000-6,000-8,000 के मिलेंगे, उतना ज्यादा इन्वेस्ट करना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट 2,500-2,500 तक की ना आप बजट रखना, ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद पाओ। बाकी ओवरऑल अगर आपकी ऑनेस्ट रिव्यू अच्छी लगी, मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश बूम।